पटना में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पटना के एसएसपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पटना पुलिस ने ये तैयारी की है कि अब तमाम थानों में दो दो थानादार रखा जाएगा। इससे ये होगा कि जब थानेदार के गैरमौजूदगी में जब शिकायतकर्ता थाना पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उन्हें काफ़ी देर इंतजार करने के लिए बोलते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय नहीं है। लेकिन अब इस शिकायत का परमानेंट सोल्यूशन खोजा गया है। अब दो थानेदार की नियुक्ति होगी, एक एडिशनल थानेदार होंगे जो थानेदार के गैरहाजिरी में तमाम जो काम होंगे थानेदार का वो करेंगे। साथ ही साथ पटना के एसएसपी ने लोगों से अपील भी किया है कि अब राजधानी पटना के अंदर थाने आने से जो लोग हिचक रहे थे वो बेधड़क होकर थाना पहुंचे। पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है। ये प्रयास सीधे तौर पर पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आए दिन राजधानी पटना के पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर। कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसे दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया गया है। देखना है इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि जब दो थानेदार एक थाना में होंगे तो फिर शिकायतें कम होंगी या शिकायतें बढ़ेंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सुनिए पटना के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं राजीव मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करना चाहता हूं। पटना पुलिस में पारदर्शिता लाने हेतु तथा पुलिस को उत्तरदायी बनाने हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देशानुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में पटना के सभी थानों में एडिशनल एसएचओ का पदस्थापन किया गया है। एडिशनल एसएचओ थाना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में थाना अध्यक्ष के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाना में आता है तो सभी थाना अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे। यदि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी अंकित की जाती है तो उस प्राथमिकी की प्रति भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी कारणवश थानाध्यक्ष को यह लगता है कि आवेदन पर प्राथमिकी तत्काल अंकित करना उचित नहीं है तो इस संबंध में आवेदक को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय के अंदर उनके द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को आवेदक को सूचित किया जाएगा।